तो ये अगर फिल्म हिट हो गई है तो मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है भाई, वो 40 करोड़ है इस देश में। आप कह रहे मुसलमानों की जीत हो गई, मुसलमानों की जीत हो गई है, ये अन्याय की जीत हो गई है। और जिसे आप भाईचारा कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि सारे मुसलमान आपस में भाई और सारे हिंदू उनका चारा, तो हिंदू खुद चारा बनने के लिए तैयार है, मछली खुद जा रही है मगरमच्छ के मुंह में, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आमिर खान, शाहरुख खान और ये जो सैफ अली खान, सलमान खान, ये जो खान है ये गैंग है, गिरोह है एक, इसकी फिल्में हिंदुओं को नहीं देखनी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं ये उनकी गलती है, मैं उनके साथ हूँ जो इन फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं। फिल्म में जो है शाहरुख खान हो तो देशभक्त है, दिखाया गया है, वो तो देशभक्त की भूमिका में उन्होंने देश के जो लोगों को दिखाया कुछ भी, वो दिखाया कुछ भी गया, लेकिन वास्तव में जो है वो भी तो सच में भी तो जाना चाहिए। बेसिकली ये शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, सोल्जर, ये वो, लेकिन उससे वो बदल जाएगा क्या? वो तो फिल्म तो नकली है, असली भी तो एक आदमी है ना वो। इन लोगों का टोटल बहिष्कार होना चाहिए, टोटल बहिष्कार होना चाहिए, और अगर हम नहीं कर पाए तो ये हमारी कमी है। मैंने देखा कि बहुत सारे गद्दार हिंदुओं के इनके पक्ष में बोले। तो सर ये जो फिल्म को लेकर जिस तरीके से पूरे वो उसमें जो सर सीन थे, वो सीन भी जो है उसमें 12 कट भी लगे, तो अब तो फिर विरोध करने का कोई तर्क नहीं। नहीं, सीन की और फिल्म की बात ही नहीं है, इन सब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सैफ अली खान और जितने भी ये मुसलमान हैं, इनका टोटल बहिष्कार होना चाहिए। ये कल को फिर समझ जाएंगे, फिर हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे, हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाएंगे। एक फिल्म में 12 कट होने से कुछ नहीं होता, इनका टोटल बहिष्कार, हिंदू को मुसलमान का बहिष्कार करना चाहिए। मुसलमान से ना एक पैसे की चीज़ खरीदनी चाहिए, ना ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुओं के कारण मुसलमानों का एक पैसे का भी कोई कारोबार बढ़े। तो टोटल बहिष्कार, फिल्म की बात नहीं है, वैसे भी बहिष्कार करना। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ फरमा दिया है कि जिस इंसान ने किसी बेगुनाह का कत्ल किया गोया के उसने सारी ही इंसानियत का कत्ल किया, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। लेकिन कुछ धर्म की राजनीति करने वाले लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश करते हैं, तो आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में क्या कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना ज़रूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले के वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान के आयते गोया के वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया के वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11, 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में, जो लंदन बॉम्बिंग हुए, 50 से ज्यादा लोग मरे, जो बॉम्बे के अंदर 10 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 180 से ज्यादा लोग मरे, मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स थे किसने क्या, मैं जानता नहीं हूं। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशत गर्द है, और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो,
जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ से आज ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द, क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत कर